हेलो एवरीवन। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि आईआईटी जैम में कौन कौन सी बुक्स होती हैं हमारी। तो आज सिलेबस की बात करेंगे आईआईटी जैम फिजिक्स के, कि उन बुक्स में जो हमने बताई थी आपको, उन बुक्स में क्या क्या टॉपिक्स हमारे होते हैं। तो सिलेबस है जैम फिजिक्स का। यहाँ पे पहला जो बुक्स था हमारा, यहाँ पे बुक्स मैंने आपको, सीरियल नंबर हमारा चेंज हो सकता है, वहाँ पे मैंने आपको पहले मैकेनिक्स बताई थी, ठीक है ना। देख लेंगे उसको जाके, सीरियल कोई नहीं चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है हमारा, लेकिन है तो वही बुक्स हमारी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स सिलेबस है किसका, जैम फिजिक्स का, आईआईटी जैम। आईआईटी जैम क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं, कैसे किस आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर एक लेक्चर अलग से बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसके सिलेबस की बात करें कि इसमें हमारा शॉर्टली जो इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है वो कौन कौन से टॉपिक डिस्कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। उसमें तो पहला है हमारा मैथमेटिकल्स मेथड्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, सॉरी, कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टी, ठीक है, मल्टी वेरिएबल्स जो होंगे हमारे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, जैकोबियन सुना होगा आपने, ये कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में होता है, कुछ में ये फिफ्थ में होता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आई एम परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल पढ़ेंगे हम इसमें। टेलर थ्योरम, एक्सपेंशन, फोर ईयर सीरीज, वेक्टर एलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर एलजेब्रा में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, ये भी अब आपकी पूरी एक बुक होती है, ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, इसके ऊपर, इन तीनों में से जो हमारी तीनों थ्योरम है, ये जोन सी है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, उसके बाद ये स्टोक्स थ्योरम है, इसमें से हमारी क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे हर साल रिपीट होते हुए आए हैं। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस पढ़ेंगे, लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम मैथमेटिकल्स मेथड में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट किसके साथ, लीनियर सेकंड डिफरेंशियल जो इक्वेशन होगी उसको हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कोफिशियंट के साथ में, ठीक है। मैट्रिक्स पढ़ते हैं यहाँ पे हम, डिटर्मिनेट्स भी यहाँ पे हम करते हैं। क्या है, ये हमारी एक बुक होती है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स हम पढ़ेंगे। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी भी एक क्या होता है, यूनिट वाइज पोर्शन होता है, तो उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अगर आगे हम चलें यहाँ पे बात करें हम, ये तो हो गया मैथमेटिकल मेथड्स, सॉरी, अब है मैकेनिक्स की जनरल प्रॉपर्टी मैटर, ठीक है। ये तो हमारा वही न्यूटन्स लॉ हम पढ़ते हैं, इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन पोलर सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, इसमें तो हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये तो अपना एक पोर्शन होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, और यानी कि और जो कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज होता है वहाँ पर हम इसको कर चुके होते हैं। दिक्कत हमारा प्रॉब्लम क्या करता है, मैथमेटिकल मेथड्स करता है, लेकिन मैथ्स हमारा क्या होता है, मैथ्स में हम इसको पढ़ चुके होते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रिफ्यूगल एंड्स, ये सेंट्रल फोर्सेस होता है हमारा, मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपलर्स लॉ हमने किया हुआ है, ग्रेविटेशनल लॉ और फील्ड हमने कहाँ किया था, 11th क्लास में किया था, बीएससी में भी हम पढ़ चुके होंगे, पढ़कर पहुँचेंगे आईआईटी जैम के लिए। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब होगा सिस्टम ऑफ सेंटर, जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब होगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो हमने टॉपिक किया हुआ है, ठीक है। मैकेनिक्स में जाकर आप प्ले लिस्ट में इनको हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमने पढ़ ली है। कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, इसमें हमने एल वेक्टर होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको कांस्टेंट प्रूफ करना होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरिएबल मास सिस्टम, इलास्टिक इनलास्टिक कोलिजन हमारा चल रहा है अभी, रिजिड बॉडी मोशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग अलग डिस्क का निकालेंगे, ठीक है, सिलेंडर का निकालेंगे, तो वो सब हमारा इसमें आ सकता है। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर कूलर एक्सिस थ्योरम करेंगे, प्रिंसिपल मोमेंट्स एंड एक्सिस करेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
आलर्स इक्वेशन, ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया आलर इक्वेशन, और आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूड्स, ये तुमने 11th में किया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और आपका एलर इक्वेशन। हम क्या करेंगे इसमें, थोड़े से दो टॉपिक हमारे अलग से हैं लेकिन सुने होंगे आपने, बर्नौलीज थ्योरम हम 11th में कर चुके हैं तो वही हमारी रिपीट होगी। उसके बाद हम बात करें तीसरी जो बुक्स हमने बताई थी, ऑस्किलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर नीचे आपका जो वीडियो मैंने पिछले वाला लेक्चर बनाया था, टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, वहाँ पे बुक मैंने आपको अलग से बताई थी, ठीक है। वहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म थी, ठीक है, लेकिन हमारा बात वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे सिंपल, हार्मोनिक ऑस्किलेटर की SHM, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन, याद होगा ये टॉपिक भी मैं करवा चुका हूँ, लिसाजस फिगर्स में करवा चुका हूँ, डैम्ड और फोर ऑस्किलेशन रिजरेंस, इस पर हम बात करेंगे, वेव इक्वेशन, ट्रेवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव इन डायमेंशन, वन डायमेंशन में, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी होगा और आपका एनर्जी ट्रांसमिशन होगा किसमें, वेव्स में, ग्रुप वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी की बात होगी, साउंड वेव्स होगा हमारा किसमें, किसी मीडियम में, डॉपलर इफेक्ट, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा आपने सुना नहीं होगा, सुना होगा किसमें, ऑप्टिक्स में सुना होगा, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, थिक लेंस एंड लेंस कॉम्बिनेशंस, ये हम पढ़ के आए हैं 12th में, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट भी 12th में, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, ठीक है, ये आपका हॉपर डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे हम, फ्रॉन हॉपर, ठीक है, रेले सर्टेन एंड रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग्स पढ़ेंगे, पोलराइजेशन हम कर चुके हैं लेकिन पढ़ाया जाएगा आपको, आप उस चीज़ से निश्चित रहें, लीनियर सर्कुलर एंड इलिप्टिक पोलराइजेशन, डबल रिफ्रेक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन, ये हमारा ऑस्किलेशंस वेव्स एंड ऑप्टिक्स की बात होगी। चलिए ऊपर चलते हैं, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है जो मैंने आपको थर्ड बुक ये बताई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हमारा रिविजन हो जाएगा सब सर। यहाँ पे जो हमारा अलग है वो है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन फॉर सिंपल केसेस, ये भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, कंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये हम करके आ चुके हैं 12th में लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, हम पहले आपको टॉपिक करवाएंगे, पहले तो मैं BSc का पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आपका कैसे चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात करें, तो उस पर बात क्या करनी है कि जो हमारा चल रहा है वो पहले 0 से चल रहा है लेवल से, उसके बाद हम टॉपिक करेंगे IIT जैम के, ठीक है, और इस पर हम क्वेश्चन देंगे और आपको फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सीट भी देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बायो सावर्ट लॉ पढ़ चुके हैं, एम्पर्स लॉ पढ़ चुके हैं, फ्रेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर चुके हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस कर चुके हैं, करवाऊंगा मैं भी, अल्टरनेटिक करंट, सिंपल DC एंड AC सर्किट विद RL एंड RC कॉम्पोनेंट्स, ये तो RC और RL सर्किट हमने बनाने सीख लिए हैं, कुछ कुछ रह गए हैं उनको करवा दूंगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, पॉन्टिंग थ्योरम, ये हमारा सेकेंड ईयर में होता है कुछ यूनिवर्सिटी में, और कुछ यूनिवर्सिटी में हमारा ये थर्ड ईयर में यानी कुछ सेमेस्टर में है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन एट ए डायलैक्ट्रिक इंटरफेस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशेंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लोरेंज फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, ये हमारा क्या था, सिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का हमारा सिलेबस था, किसके लिए, IIT जैम के लिए, ठीक है, यही सिलेबस हमारा, आप अदर एग्जामिनेशन देते हैं जैसे टिफर का होता है आपका, आपका किसका होता है, जेस्ट का होता है, उसमें भी यही हमारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे होते हैं यहाँ पे, हमें एलिमेंट्स क्या चाहिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने के लिए, वो भी बताऊंगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, ये तो हमारा टॉपिक करवा चुके, थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको उसको देखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइटोमिक गैसेस, ये टॉपिक हमारा रह रहा है, आइडियल गैस, वंडरवाल गैस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बायो सावर्ट लॉ इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जितने भी गैस के लॉ हैं वो देख लेंगे, मीन फ्री पाथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ एंड इट्स, ठीक है, ये भी हम करेंगे, आइसोथर्मल एंड अडायबेटिक प्रोसेस करेंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड क्वासिस्टेटिक
प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड लॉ करेंगे किसका, थर्मोडायनेमिक्स का, और एंट्रोपी की बात करेंगे। कार्नोट साइकिल 11th क्लास में करके आए, लेकिन यहाँ पे भी करेंगे। मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, साथ के साथ ये क्या हो जाते हैं, एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड सिंपल एप्लीकेशंस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल होगी, देयर एप्लीकेशन, और सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें फेस ट्रांस ये वाला पोर्शन, और क्लासेस क्लैपेरियन इक्वेशन, आइडियाज ऑफ इंसेम्बल्स, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, फर्मी, डिराक, एंड ये हमारा बहुत बड़ा बोसाइस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा पोर्शन होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं इसमें हमारा ये कौन सी है, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें होगा आपका इनर्शियल फ्रेम्स, एंड ये थोड़ा सा हटके है भैया, आपने टॉपिक ये सुने नहीं होंगे, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, थोड़े से बड़े वो हैं, एडिशन थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये सुना है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना होगा आपने, क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एक्सरेज, वेव पार्टिकल, ये सब कुछ हमने सुना है, अर्सेनिटी प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, वैल्यूज, श्रोडिंजर इक्वेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हमारी कई बार एज इट इज भी आ जाती है, श्रोडिंजर इक्वेशन ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके सॉल्यूशन टू और थ्री डायमेंशन बॉक्सेस में, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर द वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, करवाऊंगा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ए स्टेप पोटेंशियल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में भी किया होगा एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और आपने फिजिक्स में भी किया होगा 11th में, लेकिन हम भी यहाँ पे आपको करवाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में हमारा तीन बुक का सिलेबस यहाँ पे ये इन्होंने कवर कर दिया है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स का आपका, एटॉमिक फिजिक्स मैंने बताई थी, न्यूक्लियर फिजिक्स बताई थी, उनका जो ये तो शॉर्ट हो गया सिलेबस, उनका जो बड़ा सिलेबस होगा यानी कि उनके सारे टॉपिक्स एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी है, इसने यहाँ पे दो तीन बुक इकट्ठी कर दी, ये मैंने आपको अलग अलग बताई थी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट में ही हम आईटी जैम को करते हैं, जो टॉपिक कुछ हमारे क्या होते हैं आईटी जैम में नहीं होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही सिलेबस रहेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ब्रेव्स लेटिस और बेसिस, ये तो निकालने के लिए आती हैं एक नंबर में, मिलर इंडिसेस भी आता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन, ब्रैक्स लॉ, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, सॉरी फर्मी लेवल, पीएन जंक्शन डायोड, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें जेनर डायोड और इसकी एप्लीकेशन, बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है उसकी इन सीबी में, सीई में, ठीक है, कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में, और कॉमन कलेक्टर मोड्स में हमें इसको बताना पड़ेगा। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, बीएससी में कर चुके हैं, सिंपल ऑस्किलेटर्स, बार्क हुसैन कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंसोडियल ऑस्किलेटर्स ये भी हमने किया था, ओ पी ए एम पी इसकी एप्लीकेशन, जे एफ ई टी भी होगा इसमें, और एफ ई टी भी होगा, वो इसमें नहीं दिया हुआ है अभी, लेकिन उसको भी हम करेंगे। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बुलन एलजेब्रा आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम्स यानी कि ये हमारा लॉजिक गेट्स की बात हो गई, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, बाइनरी एडिशन होगा और आपका सब्ट्रैक्शन होगा, लॉजिक गेट्स, गेट्स में हमारा एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट पढ़ते हैं, नॉर एक्सक्लूसिव, और ट्रूथ टेबल्स होगी, और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आईआईटी जैम का सिलेबस, इसको आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसके, और हमारा उसके बाद हम बात करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट पे कैसे लेस लेक्चर जो होगा हमारा वेबसाइट पे कैसे विजिट कर सकते हैं, यानी कि नोट्स कैसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा, अगर मैंने कहा था कि अगर आपको बुक्स लेनी है, बुक्स रेफरेंसेस लेनी है, किसी को इंटरेस्ट है तो ले, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बुक्स लेके रख देते हैं, बुक्स बड़ी महंगी आती है, जो हमारे राइटर्स होते हैं, इधर राइटर्स होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप पैसे की बर्बादी ना करें, नोट्स ही हो जाएगा वैसे काम, लेकिन किसी को अगर इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, किसी को क्या है, इंटरेस्ट है हमारा, तो आप बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, बुक्स आप ले सकते हैं। तो ये पोर्शन जो है हमारा थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन था, ये ब्लैक बॉडी, सॉरी ये ब्लैक बॉडी था,
ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है, इसमें था और सेरिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसके आप थोड़ा सा मैं इसको और, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते हैं कोशिश करने की कि दिख जाए आप लोगों को, मैं अभी ट्राई करता हूँ, ठीक है जी, दिखना दिख गया, इसको लाइट ऑन कर देते हैं, लाइट दिखा देता हूँ मैं, सॉरी,